Welcome students, in this video lecture we will take chromosomal theory of inheritance. तो सबसे ज़्यादा मुश्किलें जो बच्चों के सामने आती है वो ये है कि ये जो टॉपिक है इसको डील कैसे करें, इसको लिखें कैसे, सिस्टम क्या होगा, सिस्टमैटिक वे में इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करें, किसके बाद क्या लिखेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम डील करेंगे विद अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस क्रोमोजोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस. सो लेट स्टार्ट. तो इसको प्रपोज किया था सटन एंड बवेरी ने, वाल्टर सटन एंड टी बवेरी इन 1902, बट इट वॉज कन्फर्म्ड इन 1910 विथ एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टी एच मॉर्गन ऑन सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ऑफ वाइट आई इन ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर. तो ये भी हम देखेंगे किस तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर एक किसी कंक्लूजन पर पहुँचते. तीनों का अलग अलग काम था, सटन का, बवेरी का और मॉर्गन का, लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने जो है क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ हेरिडिटी को बनाया. और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पहले हमें कोई आइडिया नहीं था कि ये जो जेंडल मेंडल के जो फैक्टर्स हैं वो किस तरह से एक प्रोजनी से दूसरे प्रोजनी में जा रहे हैं. ये तो हमें पता था कि पेरेंट्स से ये जाते, ये पेरेंट्स से प्रोजनी में जा रहे हैं, लेकिन इसकी फिजिकल बेसिस क्या है. तो दिस हैज़ अ आंसर कि क्रोमोसोम्स आर द फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी. तो ये जो हम कह रहे हैं जीन्स या फैक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये कोई एक हाइपोथेटिकल चीज़ें तो नहीं है, ये कोई इमेजिनरी चीज़ें नहीं है, इस ये एक फिज़िकल चीज़ है. तो इसका फिज़िकल बेसिस कैरी ओवर करने का जो फिज़िकल बेसिस है वो क्रोमोसोम है. और यही जो बहुत सिंपल सी बात अभी हम सबको पता है, सारे स्टूडेंट्स को पता रहती है, सबको पता रहता, लेकिन ये उस वक्त जब मेंडल के लॉ रीडिस्कवर हुए थे 1900 में, तब ये बात बहुत बड़ा एक क्वेश्चन था और इन तीनों ने मिलके इस क्वेश्चन का आंसर किया था. सो क्रोमोसोम आर द फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी. नाउ ये कहना क्या चाहता है ये इस थ्योरी से कि क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ हेरिडिटी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन दैट पोजेस मेंडेलियन फैक्टर्स दैट इज़ द जीन्स. तो मेंडेलियन मेंडल जिसको फैक्टर्स कहते थे वो अब हम लोग उसको जीन्स कहते हैं. एंड दे सेग्रीगेट एंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द प्रोजेनी जनरेशन. तो मेंडल्स के लॉ ये फॉलो करता है इसीलिए. तो कैसे हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम आर द कैरियर्स ऑफ द जीन्स, क्योंकि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हमने देखी कि मेंडल के फैक्टर जिस तरह से एक्ट करते हैं उसी तरह से क्रोमोसोम्स भी एक्ट करते हैं जब वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं. सो देयर आर मच सिमिलैरिटीज़ विद द मेंडल्स फैक्टर एंड दिस क्रोमोसोम्स. सो नाउ योर नोट्स स्टार्ट. तो दिस आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस. So starting with the first, we have genes or the genetic material are present on chromosomes. The second one is the chromosomes contain the genetic material that is transmitted from parents to progeny. The third point is chromosomes are replicated and passed on along the generation after generation from one generation to the succeeding generations. And the fourth is the nuclei of most eukaryotic cells contain chromosomes that are found in homologous pair, means they are diploid. Okay, so we will explain this point that one member of each pair is inherited from mother and from father. तो आपको ये पता है कि एक जो pair है वो mother से मिलता है, एक pair father से मिलता है. For example, let's suppose यहाँ you have 46 chromosomes in human. तो 23 chromosomes you will get it from the mother and 23 from father. And finally, it will restore the diploid condition of 46 in the progeny or the zygote. So this is 2N, this is N, this is N. तो एक सेट जो रहेगा इस, ये 23 एक सेट है, यानी यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, कोई भी किसी का पेयर नहीं है, और यहाँ भी उसी तरह से. और जब ये मिल जाते हैं तो सारे 23 के इसके पेयर्स वहाँ पर मिल जाते हैं हमें, और ये पेयर्स में आ जाते हैं. तो ये 46 क्रोमोसोम्स जो हैं, दीज आर
इन पेयर तो दे आर 23 पेयर्स, लेकिन यहाँ पर कोई पेयर नहीं है, यहाँ पर भी कोई पेयर नहीं है. एट मियोसिस ईच ऑफ द टू मेंबर्स ऑफ ईच पेयर सेग्रीगेटेड इनटू वन डॉटर न्यूक्लियस एंड द अदर सेग्रीगेट इनटू डिफरेंट डॉटर न्यूक्लियस. तो ठीक है, इस चीज़ को हम कैसे समझे कि ये मान लीजिए आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं. तो जब मियोसिस होते हैं तो क्या होता है कि गैमिट्स फॉर्मेशन होते हैं. तो गैमिट्स फॉर्मेशन में ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपके पास है उसमें से सिर्फ एक ही पेयर जाएगा और दूसरा नहीं. ये अगर हम दो कलर्स में देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. लेट्स वन बी पिंक, ठीक है, और दूसरा है आपका वन इज योर पिंक, ये अपने क्रोमैटिड्स के साथ है, और दूसरा जो ग्रीन ये अपने क्रोमैटिड्स के साथ है. ठीक है, ये पेयरिंग है, ये मान लीजिए ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं. अब जब फॉर्मेशन होती है आपके गैमेट्स के, तो गैमेट्स में ये जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो ये जो दो क्रोमैटिड्स हैं ये अलग अलग हो जाएंगे. अब ये अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं और यहाँ पिंक के जो दो क्रोमैटिड्स हैं वो अलग अलग हैं. अब यहाँ यहाँ क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ एक जीन है तो उसका दो वही जीन यहाँ पर है, अलील्स दूसरे हो सकते हैं. तो मान लीजिए यहाँ टी है और यहाँ स्मॉल टी है, तो एक टी यहाँ चला जाएगा, स्मॉल टी यहाँ चला जाएगा. यही कहा जा रहा है कि ये सेग्रीगेट हो जाए. कैरेक्टर मान लीजिए हाइट है, ये टॉल है, ये डॉर्फ है, तो ये जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर के दो अलील्स हैं, तो गैमेट फॉर्मेशन में ये जो दो अलील्स है दे गेट सेग्रीगेटेड और सेपरेटेड. मान लीजिए यहाँ ये दो जो कलर है, ये कलर्स रिस्पॉन्सिबल है किसी भी चीज़ के लिए, और ये दो कलर रेड और वाइट है. लेट सपोज, तो रेड यहाँ है और वाइट है, हो सकता है कि दोनों सेम भी हो. तो यहाँ क्या हो जाएगा कि एक एक जो गैमेट है उसमें एक ही कैरेक्टर आ रहा है, क्योंकि सेग्रीगेट कर जा रहे. एक कैरेक्टर के जो दो अलील्स है, ये दो अलील्स में से सिर्फ एक ही एक गैमेट में रहेगा, दोनों अलील्स कभी भी एक साथ नहीं रह सकते. दिस इज़ दैट व्हाट हैपेंस वन मियोसिस अकर. तो टू मेंबर्स ऑफ ईच पेयर सेग्रीगेट इनटू वन डॉटर न्यूक्लियस, हेंस गैमेट्स आर हैप्लॉयड, दैट इज दे कंटेन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम. अभी आप लोगों को दिखा कि गैमेट्स में एक ही सेट है. मान लीजिए अनियन में जैसे 16 क्रोमोसोम्स ऑल टोटल है, तो गैमेट्स में 8 क्रोमोसोम्स होंगे, जस्ट हाफ, और ये पेयर्स में नहीं होंगे. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 के दूसरे भी पेयर्स हैं, लेकिन दूसरे वाले पेयर्स जो रहेंगे वो गैमेट्स में नहीं रहेंगे. सिर्फ 8 वो सेट रहेंगे जो सबसे यूनिक है, सब अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं. नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज बोथ द पेरेंट्स इक्वली कंट्रीब्यूट, दे गिव वन क्रोमोसोम सेट टू इट्स प्रोजेनी. तो अभी हमने देखा था कि ये जो डिप्लॉयड कंडीशन है, हर पेरेंट एक हैप्लॉयड सेट देगा टू रिस्टोर दिस डिप्लॉयड कंडीशन. तो पेरेंट इक्वली कंट्रीब्यूट करते, कोई कम ज़्यादा नहीं करता है. ऑफकोर्स दे आर एक्सेप्शंस इन मैटरनल केसेस, बट यहाँ पर हम लोग जो क्रोमोसोम नंबर है वो हमेशा इक्वल रहेगा. वो फादर जितना डोनेट कर रहा है, मदर भी उतना ही डोनेट कर रही है, तो इक्वल क्रोमोसोम्स आर गिवन टू द प्रोजेनी बाय ईच पेरेंट. सो वट इज़ द सिग्निफिकेंस? द सिग्निफिकेंस, द क्रोमोसोम थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस इस्टेब्लिशेज द रिलेशनशिप बिटवीन मेंडल्स लॉ एंड क्रोमोसोमल ट्रांसमिशन. अब इसके बाद हम और कुछ डिटेल्स में बात करेंगे, क्योंकि हमें टीएच मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट भी देखना है. सो लेट्स कंटिन्यू. तो सटन ने काम किया था अलग से ग्रास हॉपर पे, और बोवेरी ने काम किया था सी अर्चिन पे. तो सटन ने ये देखा था कि हाउ क्रोमोसोम्स अकर इन मैस्ड पेयरिंग पैटर्नल एंड मैटर्नल क्रोमोसोम्स, एंड बोवेरी फाउंड दैट ऑल द क्रोमोसोम्स हैड टू बी प्रेजेंट फॉर प्रॉपर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. तो कोई भी एक क्रोमोसोम अगर मिसिंग हो रहा है तो एम्ब्रियो ठीक से प्रॉपरली फॉर्म नहीं कर रहा है. इसका मतलब है कि क्रोमोसोम्स हैव सर्टन रोल इन दिस इनहेरिटेंस. तो सटन ने यह बहुत अच्छा काम किया था कि उन्होंने दिखाया था कि
मैटरनल और पैटर्नल जो क्रोमोसोम्स हैं विच सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस एंड हेंस ही कैन कंक्लूड दैट क्रोमोसोम मे कंस्टिट्यूट द फिजिकल बेसिस ऑफ मेंडेलियन लॉ ऑफ हेरिडिटी. और उन्होंने देखा था कि हर स्टेप में जैसे मेंडल के लॉज जा रहे हैं, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट, क्रोमोसोम के साथ भी हम यही चीज़ें सेम लागू कर सकते हैं. दैट्स वाई दे हैव सर्टन रिलेशनशिप. विल्सन, अब ए बी विल्सन इस थ्योरी में कैसे आ रहे हैं? ए बी विल्सन वाज अ फ्रेंड ऑफ बोवेरी. वो बोवेरी के फ्रेंड थे और सटन के वो टीचर थे. वो ही वाज प्रोफेसर ऑफ सटन एंड ही वाज फ्रेंड ऑफ बोवेरी. तो उनको पता चला कि सटन भी वही काम कर रहे जो बोवेरी काम कर रहे हैं, और लगभग इन्होंने दोनों ने एक ही जैसी चीज़ें कर ली थी. तो इन्होंने फिर कहा कि आप लोग मिलकर एक थ्योरी बना दो, और उस थ्योरी को इन्होंने ही नाम दिया था ए बी विल्सन ने एज सटन एंड बोवेरी थ्योरी. नाउ व्हाट इज़ द रोल प्लेड बाय टी एच मॉर्गन. टी एच मॉर्गन अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, उनको कोई इरादा नहीं था उनका तो टू प्रूव दिस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, बट बाई चांस दिट्स हैपन्ड. तो वो अपने लैब में अपनी तरह से काम कर रहे थे ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पे, और वो उन्होंने ये इस्टेब्लिश कर दिया कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो वाइट आई है, इट इज़ अ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. तो ये जो कैरेक्टर है आई कलर का, इसको इन्होंने इस्टेब्लिश किया. सो ही फाउंड दैट द जेनेटिक कैरेक्टर ऑफ आई कलर वॉज प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम. सेक्स क्रोमोसोम दैट द क्रोमोसोम्स दैट डिटरमाइन सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो इन्होंने दो रेसिप्रोकल क्रॉसेस किए थे. एक में यहाँ देखिए आप, रेड आइड फीमेल वॉज क्रॉस्ड विद वाइट आइड मेल, और जस्ट उसका उल्टा इन्होंने किया उसके बाद कि वाइट आइड फीमेल वॉज क्रॉस्ड विद रेड आइड मेल. तो हम देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज हैं. यहाँ अगर हम देखें तो ये रेड आइड फीमेल है, इट इज़ क्रॉस्ड विद वाइट आइड मेल. द रिजल्ट कि सारे के सारे आपके रेड आइड हैं. यहाँ आप अगर देख सकते हैं तो ये एक्स क्रोमोसोम, जस्ट अगर ये देखें, इसके साथ ये मैच कर रहा है, फिर इसके साथ ये मैच कर रहा है, अगेन इसके साथ ये मैच कर रहा है, और इसके साथ ये मैच कर रहा है. तो ये चारों रेशियोज जो बने हैं, ये टाइप्स हैं, ये नंबर नहीं है, ये टाइप्स है कि इतने इस टाइप्स के बन रहे. तो रेशियोज में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे. तो जब ये आ रहा है किसी के भी साथ, इसके साथ या इसके साथ, टू मेक द डिप्लॉयड कंडीशन, ठीक है. तो ये एक गैमेट, ये अलग से गैमेट है और ये अलग से गैमेट है. तो इन दोनों के साथ अगर ये किसी के साथ भी मिक्सअप होता है, तो यहाँ जो रेड कलर है ये डोमिनेंट है इस वाइट पर भी, और इसमें कुछ भी नहीं है इसलिए इस पर भी डोमिनेंट है. इसीलिए एज अ रिजल्ट द प्रोजिनी हैज़ रेड आई. तो रेड आई इसीलिए यहाँ पर है क्योंकि सारे क्रोमोसोम्स जो फीमेल के हैं एक्स यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं सब में, यानी डॉटर्स में भी ये डॉटर्स हैं और ये सन्स हैं. तो आप देखिए कि ये जो एक्स क्रोमोसोम्स हैं ये डॉटर्स को भी मिल रहे हैं. हाफ ऑफ देम आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डॉटर्स एंड हाफ ऑफ देम आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द सन्स. इसीलिए सारे रेड आइड हैं. तो ऑल आर, इसका जो आउटकम है वो है ऑल आर रेड आइड. एक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल हैज़ रेड आइड प्रॉपर्टी. एक्स क्रोमोसोम्स ऑफ फीमेल आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू बोथ डॉटर्स एंड सन. सो एक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल आर गिवन ओनली टू डॉटर्स, सन रिसीव द वाई क्रोमोसोम, ठीक है. तो फादर से जो वाई क्रोमोसोम है वही सिर्फ सन्स को मिल रहे हैं. जो एक्स क्रोमोसोम है विथ द कैरेक्टर वाइट आई, ये सिर्फ डॉटर्स को मिल रहे हैं. इसलिए डॉटर के पास मम्मी का रेड वाला है और फादर का जो है वो वाइट वाला है. इसीलिए क्या हो जा रहा है कि रेड डोमिनेंट है तो रेड शो कर रहा है. इन द रेसिप्रोकल केस, यानी जो अब मेल को यहाँ पर रेड आई लिया गया है और वाइट आइड फीमेल, अब यहाँ देखिए 50-50% है. ऑल द डॉटर्स आर रेड आइड एंड ऑल द सन्स आर वाइट आइड. यहाँ 50 टोटल अगर हम देखें तो 50% रेड आइड एंड 50% वाइट आइड. अब यहाँ देखिए ये जो फादर का था, अभी हमने बताया कि फादर गिव्स ओनली टू द डॉटर,
तो इसीलिए डॉटर्स को रेड आइड मिले बिकॉज द फादर इज़ रेड आइड। और यहाँ देखिए ये जो वाइट आइड है, ये वाइट आइड इनको मिल रहा है और वाई में तो कोई जीन्स कलर के लिए है ही नहीं, इसीलिए जो सन्स है वो वाइट आइड हो गए। तो हाफ आर रेड एंड हाफ आर वाइट आइड, ऑल द डॉटर्स आर रेड आइड एंड ऑल द सन्स आर वाइट आइड। अब इसका आउटकम क्या हुआ कि ऑल द डॉटर्स आर रेड आइड एज दे हैव रिसीव्ड एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम रेड आइड फादर, ऑल द सन्स आर वाइट आइड एज दे हैव रिसीव्ड द एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर वाइट आइड मदर एंड वाई डू नॉट हैव एनी ट्रेड्स और इन्फ्लुएंस ऑन द ट्रेड्स दैट वाई दे डोंट मेक एनी डिफरेंस, उनका कोई भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं वी कैन से दैट आई कलर इन ड्रोसोफिला इज़ अ सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। अब से पता चल जाता है कि जो आई कलर है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। इसका मतलब कि अगर सेक्स क्रोमोसोम में कैरेक्टर है, इसका मतलब बाकी क्रोमोसोम्स में भी कैरेक्टर्स होते हैं। इसका मतलब है कि क्रोमोसोम आर द कैरियर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और द जीन, ये प्रूव हो जाता है। इसको और अच्छी तरह से देखने के लिए आप समझ सकते हैं कि सेक्स लिंक कैरेक्टर मीन्स द कैरेक्टर आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम। सो क्रोमोसोम्स आर सेक्स क्रोमोसोम्स आर दोज क्रोमोसोम्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये इस्टेब्लिश करता है एक रिलेशनशिप बिटवीन द क्रोमोसोम एंड द कैरेक्टर्स और द जीन्स। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि सेक्स क्रोमोसोम में ये कैरेक्टर है आपका वाइट और रेड आई, जो आई कलर है इसका, इसका मतलब ये एक कैरेक्टर है दैट इज़ प्रेजेंट ऑन अ क्रोमोसोम। सो अगर हम ये रिमूव कर दें, यहाँ से सेक्स अगर हम रिमूव कर दें, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस क्रोमोसोम एंड कैरेक्टर्स आर इंटर रिलेटेड, दैट इज जीन्स और द कैरेक्टर्स आर ऑन क्रोमोसोम। सो क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल और द जीन्स। सो जो सटन और बोवेरी की थ्योरी थी वो इसी एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो जाती है। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू व्यू द नेक्स्ट वीडियो ऑन मल्टीपल एलील्स। थैंक यू सो मच।